करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बेकरी स्टाइल पिज्ज़ा बनाने का तरीका देखेंगे। आपको मैंने अपनी पहली वीडियोस में पिज्ज़ा डो बनाने का तरीका बताया है। ये डो जो है ये मैंने मोल्ड पे सेट कर ली है, ऊपर लिंक चल रहा है। अगर आपको डो का तरीका नहीं मालूम या आप देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे चले जाएं और आप जाके चेकअप करें कि मैंने डो कैसे बनाई थी। आपको जिसके लिए अज्जा चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अज्जा बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो आपको कुछ इसके लिए शिमला मिर्ची चाहिए होंगी जिसको आप गोल गोलाई में काट लें। उसके बाद टमेटोज चाहिए होंगे। टमाटर जो हैं ये गोल गोल इस तरह कटे हुए, ये बेकरी स्टाइल पिज्ज़ा है तो इसके ऊपर जो डेकोरेशन के लिए लगेंगे। फिर आपको चेटर चीज़ चाहिए, इसमें सिर्फ चेटर चीज़ इस्तेमाल होती है, मोज़रेला चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद इसमें पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल नहीं होती, इसमें सिर्फ केचप इस्तेमाल होती है, तो आप केचप ले लें कुछ। उसके बाद एग वाइट आपने लेनी है जो सफ़ेदी है अंडे की, सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है हमने। उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले ली है सिर्फ जायके के लिए, मुझे अच्छा लगता है जब ये ऊपर होती है तो इसलिए ये मैं डालूंगी। ये जो है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना इस्तेमाल करें। ये बेकरी स्टाइल जो पिज़्ज़ा होता है इसमें चिकन की एक फिलिंग इस्तेमाल की जाती है। ये फिलिंग मैंने तैयार कर ली है, आपको इसका क्विक रिव्यू दिखा देते हैं। अब हम इसकी फिलिंग के लिए जो अज्जा चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, ये चिकन आधा किलो का बॉईल करके मैंने हड्डी समेत, और मैंने इसके रेशे कर लिए बाद में। ये देखें, आपने उतार के इसके रेशे कर लेने हैं। उसके बाद आपको प्याज चाहिए होगी, मैंने चार बड़े प्याज लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं जितना आपको पसंद है। हम लोग घर अच्छा सबको पसंद है प्याज अच्छा लगते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिए। इसके बाद आपने नमक जो है वो हस्बे जायका है, मैंने यहाँ पे टीस्पून लिया है एक। उसके बाद मैदा इस्तेमाल होगा इसमें, वो मैंने तीन टेबलस्पून लिया है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, ये हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आधा चम्मच लिया है। उसके बाद काली मिर्च जो है ये भी आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, मैं अभी चक चक के फिर डालूंगी इसको, पर आधा चम्मच ठीक रहता है इसका भी। उसके बाद मैंने हरी मिर्च ली है, ये मैंने तीन बड़ी हरी मिर्च ली है, इनको बारीक बारीक काट लिया ऐसे। उसके बाद आपने इसके अंदर हम धनिया भी डालेंगे, तो धनिया जो है आप देख लें इतना सा आप ले लें, काफ़ी होगा। उसके बाद दूध का एक कप जाएगा इसके अंदर, लेकिन अब देखेंगे जो मटेरियल बनाएंगे अगर ज़्यादा दूध चाहिए होगा तो हम आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फिलिंग कैसे तैयार करेंगे। अभी कढ़ाई आपने चूल्हे पे रख लेनी है गर्म होने के लिए। इसमें हम तेल इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, इसको आपने सॉटे कर लेना अच्छी तरह से। हम इसको ब्राउन नहीं होने देंगे, बस हल्का सा जब रंग थोड़ा सा तब्दील होगा तो इसमें हम अपना। अब ये देखिए प्याज हल्का हल्का आपका जो ट्रांसलूसेंट था इसने कलर देना शुरू कर दिया, तो अब हम इसके अंदर यहाँ पे अपना चिकन डाल लेंगे और साथ ही हम इसके नमक भी ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल लेंगे, हरी मिर्च भी डाल लेंगे। अब थोड़ी सी देर हम इसको ऐसे पकाएंगे। अब हम इसमें अपना मैदा ऐड कर लेंगे, अब यहाँ पे हम दूध डाल लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा खुश्क लग रहा है तो मैंने आधा कप और दूध डाला है।
आप देख लीजिएगा जितना आपको लगे थोड़ा सा अगर खुश्क तो आप थोड़ा सा और डाल लें बेशक। अब हम यहाँ पे इसमें धनिया ऐड कर लेंगे थोड़ा सा इसको ऐसे करके इसके ऊपर से धनिया जो है हम ताकि ये काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच मैंने डाली है। यहाँ पे आप इसका ट्राई करके टेस्ट तो फिर आप अपनी काली मिर्च ऐड कर लें जितनी आपको चाहिए क्योंकि आपने सब्ज़ मिर्च भी डाली है कुटी हुई मिर्च भी डाली है तो फिर टेस्ट करके आप फिर डाल लें। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और फिर ठंडा होने पर हम इसकी फिलिंग जो है वो फिल करेंगे। अब आए आप हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। ये फिलिंग जो है ये सबसे पहले आपने हम केचप लगाएंगे नीचे फिर उसके ऊपर हम ये फिलिंग लगाएंगे। ये देखें ये आपका जो है ये तैयार हो गया मोल्ड के ऊपर बिल्कुल। अगर आपके पास इस किस्म का मोल्ड नहीं है तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो के अंदर पिज्ज़ा बनाने का तरीका बताया, उसमें हमने जो है देचकी के जो फ्लैट ढक्कन होते हैं बिल्कुल मैं आपको दिखा सकती हूँ जिस किस्म की मैं ढक्कनों की मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए इस किस्म के ढक्कन के ऊपर भी आराम से बन जाता है ये और ये जो चीज़ आती है ये इसके ऊपर आ जाती है यहाँ पे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले आपने ये कांटे के साथ इस तरह से इसमें होल कर लेने। इसका मकसद ये होता है कि ये अगर दरमियान में से जो इसमें फैलाव पैदा होता है वो जो है ना वो फूले ना ये और ये बैठा रहे। ये देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर केचप अच्छी तरह लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी चीज़ डाल लेंगे, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी डालनी है आपने। यहाँ पे ये आपने मेक श्योर करना डो ठंडी हो। ये देखिए मैं हाथ से लगा रही हूँ डो। आपने मेक श्योर करना है कि फिलिंग जो है ये ठंडी हो और ये आपने इस तरह हाथ से ही लगा लेनी है। ये मैं आपको लगा के अब दिखाती हूँ सारी। अब इसके ऊपर हल्की फुल्की चीज़ डालनी है आपने और ये चैटर चीज़ ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आप अपनी वेजिटेबल्स साथ रखना शुरू कर दें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी चीज डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि इसके ऊपर हम अभी हमने एग का भी एक टच देना है तो बहुत ज्यादा चीज नहीं है आपने लगानी, बस हल्की फुल्की। अब इसके ऊपर हम एग लगाएंगे। ये एग वाइट है जो मैंने आपको बताई थी, मेरे पास ब्रश नहीं है तो इसलिए मैं चम्मच से इसको फैला दूंगी इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये ले। अब ये अंडा इसके ऊपर फैला दिए। अब हम इसके ऊपर हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये मेरा टच है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप ना करें, मुझे हल्की सी वो पसंद है उसका जो फ्लेवर आता है तो मैं ये इसके ऊपर डालू। मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है। अब मैंने प्रीहीट कर लिया ओवन, मैंने 200 सेल्सियस पे प्रीहीट किया है उसको और मैं हीट पहले हल्की सी नीचे से दूंगी फिर उसके बाद ऊपर से दूंगी तो आपको मैं दिखाती हूँ। हम अब इसको ओवन में रखने लगे हैं। ये देखिए ये मैंने 200 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका रखा है और उसके बाद मैंने इसको ये देखें नीचे की हीट दी हुई है और फिर मैंने 20 मिनट्स पे इसको भी रखा हुआ है। ये देखें मुझे इसके कलर से लग रहा है कि ये नीचे से बिल्कुल माशाल्लाह देखिए कितनी नरम है और कितना अच्छा कलर उसका ऊपर से आया हुआ है। अब मैं इसको ऊपर से हीट दूंगी ताकि ये जो चीज़ है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है लेकिन वो अंडा और चीज़ जो अच्छी तरह पक जाए।
ये देखें मैंने बदल दिया, अब ये हीट इसको ऊपर से आएगी। ये देखिए पिज़्ज़ा रेडी है, माशाल्लाह बहुत ही यमी लुक आई है। एक मिनट करेंगे इसको, यहाँ पे सुराख हो जाने मैंने इसको पकड़ना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त लुक आई है। ये मेरी भांजी देख के गई है कि ये इसमें ऐसे भर के मुझे मैंने खानी है। मैं इसको निकालती हूँ, मुझे ग्लव्स में पहन लूँ, गर्म होगा। बहुत माशाल्लाह मज़े की लुक आई है इसकी, और ये इंशाल्लाह टेस्ट में भी इतना अच्छा ही होगा। ये डो कितनी नरम है, बहुत ही लजीज पिज्जा तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखिए पिज्जा बहुत मजे का तैयार हुआ है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। रंग भी बहुत अच्छा आया, चीज भी बहुत अच्छी लग रही है। आप प्लीज इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा है। और दुआओं में जरूर याद रखें, जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।